हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य योजना कक्षा 4 के लिए। तो अगर आप लोगों को प्राइमरी लेवल का यहाँ पर अगर लेसन प्लान देखना था यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के लेसन प्लान देखने थे आप लोगों को, आपने काफ़ी दिनों से ये कह रखा था कि आप लोगों को क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के लेसन प्लान बना के मैं प्रोवाइड करूं, तो उसी सीरीज में मैं आप लोगों को कम से कम 10-15 लेसन प्लान प्रोवाइड कर चुका हूं और यहां पे आज की वीडियो में आप लोगों को एक लेसन प्लान और दिखाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इसके अलावा कोई भी लेसन प्लान आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा लेसन प्लान चाहिए। और अगर इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग डेली बेसिस पे, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, या फिर आपको जीके जीएस के शॉर्ट वीडियो देखनी है, मैथ के शॉर्ट वीडियो देखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखनी है, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। मैं गारंटी लेता हूँ ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच सबसे पहले पेज पर जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग का यहाँ पर नाम लिखना है यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या लिखनी है आपको अपनी। अगर आपके कॉलेज वाले ये दोनों चीज़ लिखने के लिए नहीं कहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लेसन प्लान। पाठ्य योजना संख्या लिखिए, जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 1 लिखी गई है। विषय पर्यावरण का है, कक्षा 4th है यानी कि क्लास 4th है। विद्यालय का नाम लिखना होता है अपने विद्यालय के अनुसार, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, अपने विद्यालय में जहाँ पर आप BTC कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, DL.ED कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना होता है। जिस भी विद्यालय में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उसका नाम लिखना होता है। दिनांक लिखनी होती है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है, कालांश को देखिए इंग्लिश में लिखा गया पीरियड। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप किस पीरियड में आप गए हैं इस चैप्टर को पढ़ाने। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्कर कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे समयावधि है 40 मिनट की, आपको आपके कॉलेज वाले जितना समय दे 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट वो अपने अनुसार लिख लीजिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है सौर मंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। हमारा पहला हेडिंग लेसन प्लान का होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो विषय होता है हमारा, जैसे आज का विषय क्या है, पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है छात्रों में सामान्य अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे छात्रों में कल्पना शक्ति स्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्र इसके अध्ययन से अपने परिवेश को जान सकेंगे, क्योंकि पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे, पर्यावरण अध्ययन के बारे में, तो छात्र अपने परिवेश के बारे में आराम से जान जाएगा। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जूनियर के लिए और यहाँ पे प्राइमरी के लिए। जब आप जूनियर के लिए विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट आपका उद्देश्य होता है कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम ये बच्चों को सिखाएंगे, ये चीज़ें बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं तो आप अपना उद्देश्य जो ये चैप्टर पढ़ाने का है, जैसे सौर मंडल पढ़ा रहे हैं, तो ये चैप्टर पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य रखिए। यानी कि छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा उद्देश्य लेके चलेंगे कि बच्चे ये भी सीख जाएंगे, ये भी सीख जाएंगे, ये भी सीख जाएंगे, तो बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं। इसलिए कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए सिर्फ एक लेके चलिए, जिससे आपका एक बार में एक उद्देश्य कंप्लीट हो जाए और बच्चे अच्छे तरीके से उस चीज़ को ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया विशिष्ट उद्देश्य, ध्यान से देखिएगा। छात्र सूर्य एवं सौरमंडल से परिचित हो सकेंगे। छात्र ग्रहों की दूरी को क्रम में लिख सकेंगे। छात्र ग्रह तथा उपग्रह में अंतर को समझ सकेंगे। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। तो यहाँ पे सहायक सामग्री का मतलब होता है शिक्षण कार्य करते समय आप एज ए टीचर किन किन सामग्रियों की सहायता लेते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सहायक सामग्री में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चार्ट पर बनाए गए चित्र। यहाँ पे चित्र क्या बना के ले जाएंगे, सौर मंडल का बना के ले जाइए, ठीक है। चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप अपने अनुसार 2 कॉलम में डिवाइड करना है, तो कॉलेज वाले अगर आपको कहते हैं 2 कॉलम में सिर्फ डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे सामने जैसे दिख रहा है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 कॉलम में कहा जाए तो यहाँ पे 1 कॉलम और बना लीजिए, यहाँ पे 1 नंबरिंग जो करनी है क्रम संख्या उसको लिख लीजिएगा।
छोटे बच्चों के लिए प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय उतनी सावधानियां नहीं बरतनी पड़ती जितना बड़े बच्चों के लिए होती है, क्योंकि उसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कम से कम चार से पाँच प्रश्न पूछना होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे तो छोटे बच्चे आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि पूछे गए जो प्रश्न है वो बहुत सरल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिन भर मनुष्य क्या क्या करता है? बच्चे बोलेंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे बच्चे। यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा खाता है, पीता है, पढ़ता है, घूमता है, कार्य करता है, ये सारी चीज़ें बोलने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दूसरा है प्रश्न, मनुष्य सोता कब है? बच्चे बोलेंगे रात में। तीसरा प्रश्न, रात कब होती है? बच्चे बोलेंगे जब सूर्य ढल जाता है। फिर चौथा प्रश्न, सूर्य क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का बच्चों को बताएंगे अपने उद्देश्य कथन में कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को उद्देश्य कथन में बताया गया है, बच्चों आज हम लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को आप बता चुके हैं कि उनको आप सौरमंडल के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसको कहते हैं हेडिंग प्रस्तुतिकरण। इसको दो कॉलम में यहाँ पर डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक, सूर्य क्या है? बच्चे बोलेंगे सूर्य आग का गोला है। बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे तो आप यहाँ पर बताते जाएंगे साथ ही साथ। दूसरा प्रश्न है, यह कैसे बना है? बच्चे इसको भी नहीं बता पाएंगे तो बच्चों को बताएंगे। सूर्य करोड़ों साल पहले एक विशालकाय पिंड एक मृत तारा था। तीसरा प्रश्न, तारा क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जलता पिंड हो सकता है कोई बोल दे, ठीक है, चमकता हुआ पिंड कोई बोल दे। तो अगर अभी तक वीडियो आपने देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं, आगे देर नहीं करते हैं। यहाँ पे अगले, अब वहाँ पे आप बताएंगे बच्चों को उसके बारे में। मृत तारा इस तरह होता है जैसे लकड़ी जलने के बाद कोयला और फिर राख होती है, वैसे ही जब जलने वाली गैसें समाप्त हो जाती हैं तब तारा धूल बन जाता है। जब यह मृत तारा टूटा तो इससे एक बड़े हिस्से के अंदर कण आपस में टकराकर जलने लगे और यही जलना सूर्य का हिस्सा, सूर्य बन गया, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, सूर्य के कितने ग्रह हैं? बच्चे बोलेंगे यहाँ पे देखिए इसको सुधार लीजिएगा, आठ हो गए, ठीक है, आठ हो गए, लूडो हटा दिया गया। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, सूर्य के नौ ग्रहों के नाम बताइए। तो यहाँ पे नौ की जगह आठ कर लीजिएगा, इसको भी सुधार लीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये हमको हटा दिया गया क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता था ग्रह का। उसके बाद ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य पृथ्वी ग्रह एवं उपग्रह मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। नेक्स्ट रीडिंग अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता आता है श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य में बच्चों को घर से करके लाने, यहाँ पे जो आपने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें श्यामपट पे लिख दीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट जिससे बच्चे किसी बच्चे का कोई चीज छूटा है इंपॉर्टेंट तो वो लिख सके श्यामपट से देख के। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, ग्रहों की गति का चित्र बनाएंगे, ग्रहों को क्रमानुसार लिखेंगे श्यामपट पे। पुनरावृत्ति प्रश्न है, पहला प्रश्न है पुनरावृत्ति, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे सूर्य के पहले ग्रह का नाम बताओ। तो सूर्य के पहले ग्रह का नाम मतलब सबसे पास वाले तो बुध है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी क्या है? तो बच्चों बोलेंगे पृथ्वी एक ग्रह है। अगली हेडिंग है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में बच्चों को जो आपने काम दिया है श्यामपट का, बच्चे जब उसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में तो आप घूम घूम के क्लास में देख लीजिए कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसी के पास जाके दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर बच्चों को आ रही है, एक ही समस्या, तो उसको आप श्यामपट पर दूर कर दीजिए जिससे एक ही समय में सभी बच्चों की समस्या हल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, अपने अनुसार लिख लीजिएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। अब लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दिया करिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो 100% गृह कार्य देना ही होता है। छोटे बच्चे घर पर जाएंगे उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो उनको और अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो गृह कार्य में देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, सभी ग्रहों के नाम क्रमानुसार याद करके आना है। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आप लोगों को लाभ जरूर मिलने वाला है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।